अब इससे आगे ट्रेन आगे नहीं जाने वाली फ्रेंड्स, तो मुझे फिलहाल अभी यहाँ उतरना पड़ेगा। कौन सा स्टेशन है भैया? यह है भोला राम स्टेशन, और मुझे नेक्स्ट लोकल ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। जब तक लोकल ट्रेन नहीं आ जाती, देखते हैं कब तक आती है। देख लीजिए, पास दिखाने इन्होंने एक पास दिखाया जो कि 100 कितने का आपने बनवाया? 100 रुपीज़ का है इनका पास, और मेचल तक है। तो ये अभी यहाँ ये ऑटो पकड़ूंगे ना, यहाँ से जाने के बाद ऑटो पकड़ेंगे, लेकिन मैं ट्रेन का वेट करूँगा यहाँ, और मैं अभी फ़िलहाल टिकट लेने जा रहा हूँ। तो भाई के लिए मैंने टिकट ले लिया, आप देख लीजिए प्लीज टिकट 10 रुपये का है। और जब तक ट्रेन नहीं आती मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ दिखा दूँ। जो तभी कुछ रेलवे का है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये आउटसाइड है। और मैं कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यदि तो यदि हम कैसे बोलेंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कैसे तेलुगु में बोलेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कि क्या समझ रहे हैं? तो यही तेलुगु बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कुछ भी तेलुगु का एक वर्ड भी नहीं आता। फ्रेंड्स, अभी लोकल ट्रेन आ गई है, भोलाराम स्टेशन पे हूँ। देख लीजिए एक ट्रेन, और इसी ट्रेन में मैं अभी मेचल जाने वाला हूँ। 1 घंटे के बाद ट्रेन है, 1 घंटा वेट करना पड़ा इस जगह पर मुझे। तो लेट्स गेट इन ट्रेन। यह है यहाँ का लोकल ट्रेन। फ्रेंड्स, अभी फिर से ट्रेन रुका हुआ है यहाँ पे। भोलाराम से चला तो गुंडला पोचमपली आके रुक गया। लोकल ट्रेन का यही हाल है। देखिए, यही गुंडला पोचमपली स्टेशन है। पीछे लिखा हुआ भी है तेलुगु में और हिंदी में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स देख लीजिए, फ्रेंड्स मेचल स्टेशन यही है। तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे को कहाँ जाना है। वहाँ कुछ आत्मा जैसा भटकूंगा, मुझे किधर जाना। अन्ना, बाहर जाने के लिए यहाँ से किधर जाना पड़ेगा? यहाँ से रास्ता है। अच्छा, ठीक है। तो फिलहाल सीढ़ी से जाऊँगा, फिर देखते हैं मेरे को कहाँ जाना। मेरे को खुद नहीं मालूम, आने के लिए आ गया हूँ मेचल। बहुत नाम सुना था कि मेचल। तो अभी एक लोकल स्टेशन फ्रेंड साइड क्लियर नहीं आ रहा हुआ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो यह है सीढ़ी जिस पे मैं फिलहाल जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं मालूम कि जाना कहाँ है। यहाँ बात है कि यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, जो कि मुझे सिंगल वर्ड भी तेलुगु का नहीं आता है। फ्रेंड्स, तो कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं यहाँ पूछने की कोशिश करूँगा कि मतलब यहाँ पे क्या क्या है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड, यहाँ तो फ्रेंड देखो अभी एग्जिट गेट किधर है। मैं खोज रहा हूँ ड्रिंकिंग वाटर, प्यास लगी तो आप भी पी लीजिए पानी। इससे है आपके डस्टबिन, तो ये कचरा आप बाहर मत फेंकें, और उसको सही जगह पर ही कचरे को डस्टबिन में ही डालें। स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा हम बने। दयचे रेल नंबर 7 7
Hyderabad local Modo number platform 5 Unnadi. Yatrigan, Krupya Dhyan, Gadi Sankhya, 7-7-6-0-8, Medchal, second. Friends, मैं जैन मंदिर के फ्रंट में और मुझे नहीं मालूम कि कैमरा अलाउड है या नहीं. यदि नहीं होगा तो मैं यहाँ से लौट जाऊँगा या कैमरा ऑफ करके अंदर जाऊँगा. और आया हूँ तो लौट के तो नहीं जाऊँगा. जो डिज़ाइन है इसका बहुत ही खूबसूरत है, जैन मंदिर का. इस दरवाजे को देखिए जो कि बहुत खूबसूरत है, इसकी डिजाइनिंग. ये मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ यदि कैमरा अलाउड है या नहीं. ये जैन मंदिर, जॉन ये जैन मंदिर है. कैमरा अलाउड है या नहीं है? मतलब जैसे जैन मंदिर देखने के लिए मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ तो मैं देख सकता हूँ ऐसे? मतलब अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते, मोबाइल को मतलब दिखा सकते लोगों को? उधर पुजारी है, पुजारी. अच्छा, पुजारी से पूछना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. यहाँ मैं घूमने के लिए आया था. बाहर ले सकते मगर अंदर नहीं. अच्छा, अंदर नहीं ले सकते. ओके सर. हाँ हाँ, कुछ काम यहाँ चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी है. क्या है कि जैन मंदिर है, धार्मिक जगह, पवित्र जगह माना. फ्रेंड्स, मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मंदिर है. और मैं अक्सर किसी भी धर्म का हो हम आते हैं और यहाँ कोई रोक टोक नहीं है. यहाँ मैं दर्शन भी पवित्र जगह देख लीजिए इस मंदिर को चारों तरफ से. हाँ, फिलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है बैक साइड में. जो यहाँ की जो मंदिरें होती है बहुत खूबसूरत और बहुत बारीकी डिजाइन किया गया होता है. आप देख सकते हैं मार्बल का बना हुआ है, बहुत चिकनापन है. इसी तरह पूरा तो मंदिर कंस्ट्रक्टेड है. कैमरा अलाउड नहीं था तो इसमें इसमें ऊपर जा रहे हैं. यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा. वहाँ देख सकते हैं वहाँ पत्थर है, पहाड़ है, पीछे एरिया है. से कुछ अंदर की तस्वीरें हैं आपको मैं दिखा दूं.
और मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए ऊपर से, ऐसा ही है मंदिर, है जैन धर्म का मंदिर, बहुत सुकून मिलता है आकर यहाँ पर, मुझे मिला शांति है बहुत ज़्यादा। ये हमारे महोदय और अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय हैं यहाँ के, अध्यक्ष महोदय श्री नरपुर चंद जी कानून को, और ये यहाँ के मैनेजमेंट भी देखते हैं, खाने का मंदिर का पूरी व्यवस्था, रहने की पूरी व्यवस्था, डे टू डे एक्टिविटीज, और बहुत अच्छा योगदान है। Full time here. Full time you are here. Yes. Yeah, that's coordinate all activities, apartment, temple and other activities. Okay. Fine. That's very good, sir. Yeah, Gausala, yeah, everything is okay. I visited here, someone told me to visit Jain Mandir. Yeah, yeah. So that's why I came here. This is a 72 Jinalaya in India. We have three temples. Okay. Out of India, in South India only one temple. This is the first temple. First temple in South India. Yes, very important of 72 bodies. Can you tell me where is it is located? This is Medchal. Medchal. M-E-D-C-H-L. Medchal. Okay. Medchal. 27 kilometer from Sikandarabad station. From Sikandarabad station. Okay. Yes. That's very good. And Nagpur highway. Nagpur. 44 this highway number. Okay, sir. This is important. And opposite railway station. That is too important. Yes. Yeah, that's very important. Most of trains are stopping also. Yeah, yeah. So there are two benefits. National highway as well as railway station. Okay, sir. So anybody can come anytime. And they can visit. And all hospitalities, boarding, lodging, we are giving free of charge. Free of charge. Yeah. That's very good. Yeah. For those who are. And we have Gaupalan here. Gaupalan, I think. Yeah. So all we are using for our temple for premises only. Okay. We have not sold the cow, the milk outside. Oh, fine, that's good. Yes, we are using only for temples. Okay, sir. Yes. This is very important. Okay, sir. Thank you so much, sir. You are from? I'm from Uttar. No charge. No charge. Anybody, anyone to donate, you can donate. Okay, fine. That you wish. That's no charges. Okay, sir. So, bhojan ke liye ghar aa sakte ho. Free hai, aur yadi apne wish se yadi aap donate karna chahte hain money, to aap yahan aaiye aur अपने 20 से चाहे 10 हो, 50 हो, चाहे 1000 रुपए, हाँ। आइए और डोनेट कीजिए। yes. हाँ। तो अपने कोई फोर्स नहीं आपको यहाँ आए? ना 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 नो। तो फिलहाल मुझे टोकन दिया है, तो मैं जरूर यहाँ आया हूँ, तो देख ही जाऊँगा। ओके, थैंक यू सर। देख लीजिए, महाराज जी ने हमको बहुत कुछ बताया जो कि मुझे मालूम नहीं था। मैं तो एक मामूली सेवक हूँ और जैन छोटा आदमी हूँ, लेकिन मंदिर के प्रति श्रद्धा है, हमारी मंदिर के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है, और जो भी विश आप यहाँ करके आते हैं तो उसकी कम्प्लीट 99% भगवान के लिए। मेरे सन है, आपके बेटे हैं जी, और आपके बहू है, उनका वर्षी तब चल रहा है, उनका वर्षी तब चल रहा है, एक वर्ष वर्षी तब बोले तो 14 महीने तक एक दिन उपवास और एक दिन दो टाइम खाने का, ये जैन धर्म का बहुत बड़ा तप है, और इसके अंदर हमारे बहू भी शामिल है, और वो रसलपुरा के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें कम से कम 125 लोग अभी कर रहे हैं, 125 लोग डेली समाज की तरफ से। अच्छा, अरे ये मेरे फैमिली मेम्बर है आपके। नमस्ते। स्वादिष्ट खाना भी तो खाने वाला हूँ, मुझे सब्जियाँ मिली हैं, अरे भिंडी की सब्जी है, कुछ सीरा है, व्हाट इज दिस, सीरा सीरा कुछ बोल रहे हैं। 90 किलोमीटर दूर पे तीर्थ मेडचल तीर्थ है, यहाँ पे सब दर्शन के लिए आओ, नया तीर्थ बना है, यहाँ पे भोजनशाला रहने की सुविधा के साथ है, जितने भी जैन भाइयों को अनुरोध है कि यहाँ खास खास पधार के ये तीर्थ को
वो आगे बढ़ाए? ना हम आगे बढ़े, ये तीर्थ में आए बस। ये तीर्थ बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, रहने की खाने की और यहाँ का स्टाफ सबकी सुविधा अच्छी है। तो रेलवे स्टेशन मेडचल से फक्त 2 मिनट दूरी पे है। हैदराबाद से बाई ट्रेन से भी कम कीमत में किराए में भी यहाँ पे आ सकते हैं। 10 से 20 रुपया किराया है ट्रेन में, और ये किराया में भी आदमी यहाँ पे पहुँच सकता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और तीर्थ बोतेर जिनालय जिसमें आवती हिंदी में गत 24 ही अभी चल रही, वर्तमान 24 ही और आवती 24 ही, ऐसे टोटल मिला के 72 72 24 ही भगवान का है, दर्शन भी है, सेवा पूजा का भी स्थान है। बहुत ही सुंदर और शांत प्रिय जैन मंदिर है, गौशाला है। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके मन को शांति मिल रही है, और ये तीर्थ आगे जाके बहुत बड़ा तीर्थ गिना जाएगा। मैं सुन रहा हूँ कि जो साउथ इंडिया में फर्स्ट जैन मंदिर है। हाँ। पहला मंदिर है। हाँ। जो कि साउथ इंडिया में फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड जैन मंदिर। हाँ। इसके अलावा कोई नहीं है, बनाया हुआ है। हाँ। ये खुद यहाँ पे 4-5 साल पहले बनाया हुआ तीर्थ है। ये पर सब मार्बल में से बनाया हुआ है। राजस्थान से मार्बल ला के उसको यहाँ पे कार्विंग करके बहुत बड़ा तीर्थ बनाया हुआ है। धन्यवाद। और यहाँ पे यही ऊपर की जगह पे 25 साल पुरानी श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। सुबह यहाँ पक्षाल से लेके दोपहर तक पूजा सेवा, शाम को संध्या भक्ति होती है। यहाँ रहने की खाने पीने की सब सुविधा है। बोलो बोलो श्री मेडचल पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो अभी आगे क्या बोले? आप लोग सोचिए क्या बोले? नहीं, सबने तो बोल दिया। बोलो बोलो लेडीज। ये तीर्थ बहुत अच्छा है, हमको इधर आया बहुत मजा आया, बहुत दर्शन का वो अच्छा, भगवान मूर्ति बहुत अच्छी है, की भी सुविधा है, और खाना भी धर्मशाला भोजनशाला बहुत अच्छा है, घर जैसा है, मतलब रहने की भी सुविधा है, स्टेशन से नजदीक है, मेडचल स्टेशन से भी। आप लोगों के यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? दो घंटे पहले आया, लेकिन ऐसे हमको आने के बाद ऐसा लगे कि वो इधर 2-3 दिन रहना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है। और सब घर पे औरत जो बना जाए, इससे बेटा भी इधर ही बना जाए, औरत को तो कुछ अच्छा है, आपको आना जरूरी है। आप देख सकते हैं पीछे और फार्म में जहाँ पे मिर्च लगाया गया है, आपको दिखा दूँ तो ये है टमाटर, और यहाँ पे भिंडी, कैसे आप दिखाई दे रहा हो तो भिंडी है, और अपनी भाषा में जो यूपी और बिहार में बोलते हैं नेनुआ को इधर क्या बोलते हैं हम, मेरे को नहीं मालूम। तो नेनुआ यहाँ कहाँ पर है, बस कुछ खास नहीं, देख लीजिए। और पीछे देख सकते हैं गौशाला है, फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ तो। और गौशाला से मैंने जो यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट थे उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि जो गौशाला है वहाँ दूध बाहर नहीं बेचा जाता, और सिर्फ जैन मंदिर के लिए उपयोग ली जाती है, खाना बनाया जाता है। आप देख सकते हैं गौशाला पीछे गाय हैं, और यहाँ इनको बेचा भी नहीं जाता गायों को। सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।